नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके व्लॉग्स पे। तो भाई हॉन्टेड टनल वाली लोकेशन लेके आ गया हूँ आपके लिए, क्योंकि मेन बात ये थी कि कई लोग बोल रहे थे कि ये वही लोकेशन है। हाँ, ऑलमोस्ट अगर आप कहोगे तो वैसी ही लोकेशन है, और यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे जाके वो लोकेशन पड़ती है वो वाली, ठीक है। लेकिन जो है वो भी प्रॉपर जंगल के बीच में है, और यहाँ देखो यहाँ भी प्रॉपर जंगल है, और सामने जो नदी निकल रही है, अपनी गाड़ी खड़ी है वो सामने नदी निकल रही है, उसके नीचे से टनल जा रहा है, ठीक है। और इधर क्या है, नदी फुल अलार्मिंग सिचुएशन में चल रही है, पूरी की पूरी भरी हुई है भाई, फुल फुल पानी आ रहा है, फुल फ्लो में, और ये अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है इस टाइम पे। आपको बहुत स्लो लग रहा होगा पानी चलता हुआ, लेकिन बहुत फास्ट है ये पानी है, और बहुत ज़्यादा फुल है, बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है इस टाइम पर। और मेन बात तो ये है ना कि यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, देखो इसमें जनरली पानी होता नहीं है, बट इसमें भी पानी भरा हुआ। चलो नीचे चल के दिखाता हूँ आपको, जहाँ तक नीचे जा सकता हूँ वहाँ तक दिखाऊँगा। मतलब इस वाली नदियों में जनरली पानी नहीं आता है, जनरली पानी ना बराबर होता है इसमें, बट ये है कि आज इसमें फुल पड़ा हुआ पानी। ये है भाई रास्ता नीचे जाने का, चल के देखते हैं नीचे। टनल में तो घुसने का कोई चांस ही नहीं है भाई। लास्ट टाइम जहाँ मैं गया था वो देखो कहाँ था, और ये देखो अभी कहाँ है। मतलब मैं यहाँ से अंदर गया था, यहाँ पे मैं प्रॉपर, मतलब ये कम से कम 10 फीट की हाइट का होगा जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहाँ नीचे, तो वो पूरा इस टाइम पे फुल हो चुका है। लेकिन देखो भाई यही है अपना टनल, और ये अलग टनल है। उस वाले टनल में ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है आने की, ठीक है। ऐसा इतना चौड़ा टनल नहीं है वो, इतना चौड़ा एरिया नहीं है, बहुत छोटा एरिया है। 3 पतले पतले टनल हैं, और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कितने चौड़े टनल हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो उसमें पूरी गाड़ी निकल सकती है। ये रास्ता था नीचे जाने का, ऐसा उस टनल में कोई रास्ता नहीं है भाई बना हुआ। मतलब लोगों को लगता है ना, हाँ सिमिलर भी है, लगेगा तो है ही, थोड़ा बहुत तो फील लोगों को हुआ होगा कि सेम टनल पे आप जा रहे हो दोबारा से, लेकिन सेम टनल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये डिफरेंट है पूरा का पूरा। और दिखा देता हूँ कैसे कैसे डिफरेंट है। यहाँ से पूरा जंगल देखोगे तो जंगल बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। मैं यहाँ से पैदल इसको क्रॉस करते हुए वहाँ तक गया था, और वहाँ से फिर ऐसे चलते हुए यहाँ आया था, ठीक है। और टनल की चौड़ाई दिखाऊँ ना, तो यहाँ से टाइगर का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी खतरा है टाइगर का, एलिफेंट का, और लास्ट टाइम तो शायद लेपर्ड की आवाज़ भी आई थी, पता नहीं किसकी थी, बिल्ली की थी या लेपर्ड की थी। बट ये देखो टनल, ये टनल 3 ही है, लेकिन ये इतने चौड़े हैं कि इसमें से प्रॉपर ट्रैक्टर गाड़ी सब पास हो सकती है इसमें प्रॉपर तरीके से। लेकिन इस टाइम पे पानी पूरा फुल है, जहाँ मैं चल रहा था वो तो पूरा डूबा हुआ है, तो अंदर नहीं जा पाऊँगा, सिंपल सी बात है, अंदर जाके दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन ये टनल डिफरेंट है, मेरे को वो दिखाना था, और इन बिटवीन मैं आपको वो टनल भी दिखा, वोट वाला टनल भी दिखा देते हैं जाके, क्योंकि अगर हम यहाँ आए हैं तो उस टनल को भी दिखा देते हैं आपको, ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है उसके आसपास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड भी है, सीढ़ी भी है उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। मैं वो सब चीज़ें आपको वहाँ चल के भी दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मिल जाए कि वो लोकेशन अलग है और ये लोकेशन अलग है। और इसका कहानी की बात करते हैं, तो कहानी की बात, तो ये रास्ता भी नेपाल से लोग जुड़ते थे, मतलब जंगलों के रास्ते से तस्करी होती थी, वो एक अफवाह है, क्या है, ऑर्गन्स की तस्करी होती थी बोलते थे उस टाइम पे। लेकिन कुछ कहानियाँ ये भी हैं कि जब अंग्रेज़ों ने ये सब इमारतें, और मतलब ये ऐसे 100-150 साल पुरानी चीज़ें बनाई थी, तो उस टाइम पे बलियों का मतलब बलि दी जाती थी उस टाइम पे, बलि देके मतलब जो है इन सब चीज़ों को मतलब पक्का किया जाता था, ऐसे बोलते थे कहानियों में। अब वो कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं, बट यस हमको एविडेंस यहाँ मिले थे, और द मोस्ट हॉन्टेड डेंजरस लोकेशन में इसकी भी काउंटिंग होती है, क्योंकि रात को ये बहुत रिस्की लोकेशन है, यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मैंने हिरण भी देखे हुए हैं और हाथियों के झुंड भी देखे हुए हैं। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर वापस, और रहता है इसके बाद में काम जो मेरा वो वाला टनल दिखाने का, तो मैं वो टनल भी दिखा देता हूँ आपको चल के, ताकि आपकी एक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी हो जाए। और यहाँ आपको मैंने दिखा दिया वाला बहुत चौड़ा टनल है, और वो कितना पतला टनल है मैं वहीं जाके दिखाता हूँ आपको, ताकि फिर अगली बार जब हम यहाँ शूट करेंगे फुल डिटेल में, तो आपको मालूम चल सके कि मैं दूसरे टनल में आया हूँ। और स्टोरी इसकी ऑलमोस्ट मैंने कहा था सेम है, तो मतलब उसी तरह की कहानियाँ मौजूद हैं इसमें भी, एविडेंस तो मिले ही थे भाई। बाकी उस टनल पर जाके देखते हैं। तो भाई वहाँ से 2-3 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पे भी देखो पानी ओवरफ्लो हो रखा है नहर का पूरा का पूरा। मेरे ख्याल से थोड़ा पानी डाउन हुआ है अभी, मतलब पिछले
आधे पौने घंटे के अंदर थोड़ा पानी डाउन हो गया, क्योंकि मैं जब आया था तो यहाँ तक पानी पहुँच रहा था, अभी ये लेवल डाउन हो गया है। लेकिन अगर यहाँ का लेवल देखूँगा तो यहाँ का लेवल तो बहुत हाई है भाई, और बहुत तगड़ा फ्लो आ रखा है इसमें। तो आपको टनल दिखाए थे अपना पहले वाला जो टनल, जिसको हम शूट किया करते थे, जहाँ पे हमने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और ये टनल की गैलरी जो है बहुत छोटी है। फिलहाल लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको। मतलब ओवरफ्लो चल रहा है भाई, ये तो ओवरफ्लो। ये देखो भाई इस टाइप पे टनल चल रहा है, पूरा ओवरफ्लो। और ये देखो उससे कंपैरिजन करोगे, हाँ सीढ़ी तो इसमें भी है बीच वाली, लेकिन साइड वाली सीढ़ियाँ नहीं है, उस साइड वाली सीढ़ियाँ नहीं है, बीच वाली सीढ़ी तो उसमें भी है, ठीक है, लेकिन वो सीधे यहाँ आती है और उसके बाद रास्ता नहीं है इधर को आने का। लेकिन ये टनल देखो कितने छोटे हैं, इसमें गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं निकलता बाइक के अलावा। ये बाइक वाला रास्ता बोल सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल तो पानी है, कुछ भी निकल नहीं सकता फिलहाल। लेकिन ये है कि हाँ, ये इतना चौड़ा टनल नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, लंबाई गहराई कितनी है वो तो लगभग सेम ही होगी, क्योंकि सेम नदी को पार करते हैं। और ये देखो भैया, हाँ मछली पकड़ रहे हैं लोग, पानी का फ्लो देखो कितना ख़तरनाक आ रखा है। और ये सारी नदी जो है जंगल जंगल में जाके मिल जाती है। फ्लो देखो क्या लेवल का फ्लो आ रखा है। ये देखो ये सीढ़ी टूटी हुई है, और यहाँ पे भाई साहब लगे हुए हैं मछली पकड़ने के लिए, वहाँ वो लगे पड़े मछली पकड़ने के लिए, वहाँ वो लगे, वहाँ वो लगे, वहाँ वो लगे, हर कोने में यहाँ पे लोग लगे हुए हैं मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि बरसात में मछली बहके आती है, तो उस टाइम पे चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं पकड़ने के। और जंगल यहाँ पे भी पूरा का पूरा जंगल ही है भाई, यहाँ थोड़ा घना जंगल ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा गाँव पास में लग जाता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ख़तरनाक था इसके कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर लोग आते जाते हैं, वहाँ लोग बिल्कुल ही आते जाते नहीं है। ये जंगल देखो सामने, ये जंगल देखो सामने, उस जंगल में हमने वहाँ पे पूरा हाथियों का झुंड देखा है, एक बार ब्लॉग में दिखाया भी था शायद मैंने। फिलहाल जो है लोकेशन आपके सामने है, दिखा दी, बतानी थी बता दी, ठीक है, ये है वो हॉन्टेड लोकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका इसकी वैल्यू कुछ कम हो गई या ये कम खतरनाक है, ये भी बहुत ख़तरनाक टनल है भाई, रिस्की इसमें भी है, डर तो इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये कम थोड़ी पतली है लेकिन वो चौड़ी है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से और ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि ये पार्ट आपको दिखाने बहुत ज़रूरी थे, टनल्स का आपको बताना ज़रूरी था कि कौन सा टनल कैसा है। टनल सारे ही पुराने हैं, सारे अंग्रेज़ों ने बना रखे हैं, वही 100-150 साल पुराने, ठीक है, कहानी सबके लगभग सेम ही है, और ऊपर से इतनी बड़ी नदी बह रही है, ठीक है। फिलहाल ब्लॉग का करते हैं एंड, बरसात आई थी, बरसात बंद हो गई है, और चलते हैं घर को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।